अच्छी खबर नागौर जिले से है। आजकल शादियों का मौसम है, आप लोग भी शिरकत कर रहे होंगे, लेकिन डामन सिटी के राधेश्याम झंवर ने अपनी बेटी सुरभि की जैसी शादी की वैसे देखने को नहीं मिलती। देखिए शबी अहमद उस्मानी की ये खास रिपोर्ट। आम शादियों की तरह ही सिंदूर दान भी, नाचते गाते झूमते बाराती भी, लेकिन ये शादी आम नहीं बल्कि खास थी। ये शादी खास इसलिए थी कि आयोजन एक गौशाला में किया गया। गायों के 17 जोड़े परिक्रमा कर विवाह बंधन में बंधे। 17 गाय के जोड़ों के अलावा एक जोड़ा तुलसी माता और ठाकुर जी का भी रहा। मौका था कुचामन सिटी के राधेश्याम झंवर की बेटी सुरभि की शादी का। पांडाल में 18 चवरिया बनाई गई और बीच में गौ माता को विराजित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी संपन्न करवाई गई। 15,000 वर्ग फुट विवाह मंडप के चारों ओर गायें मौजूद रही। इतना ही नहीं, राधेश्याम जी ने अपनी बेटी सुरभि की शादी के साथ ही 16 गरीब कन्याओं की भी शादी संपन्न करवाई। इसमें ज्यादातर वर वधु दलित और पिछड़े वर्ग से हैं। ये शादी दूसरे गांवों के लिए, दूसरे शहरों के लिए भी उन्होंने एग्जांपल पेश किया है कि जहां पे अभी भी कास्टिज्म चल रहा है करके, वो कास्टिज्म को हटा के आप ऐसी शादी भी कर सकते हैं जिसमें खुद का घर तो बसेगा ही बसेगा, दूसरों का घर भी बसेगा। इस शादी की खासियत यही खत्म नहीं होती। शादी में राधेश्याम झंवर ने जो सामान अपनी बेटी को दिया, ठीक वैसा ही सामान सभी 16 कन्याओं के लिए भी था। लड़कियों जो खुद अपने आप में उनकी फैमिली काबिल नहीं है, उन सबका साथ में विवाह कराना, सामूहिक विवाह जो आज की डेट में परंपरा अब खत्म होती जा रही है, इस टाइम पे अंकल ने वो परंपरा वापस लेकर आए, जो बहुत ही बड़ी बात है। इस हनोती शादी को देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। शादी का निमंत्रण पत्र भी राधेश्याम जी ने बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ और कौन संरक्षण जैसे संदेश के साथ छपवाया था। ऐसी अनोखी शादी की चर्चा सुनकर मंत्री सीआर चौधरी भी खुद को रोक न सके और गुजरात चुनाव प्रचार कार्यक्रम से सीधे मंडप में पहुंचे। खुशी जताते हुए कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का संदेश राधेश्याम झंवर ने एक साथ अपनी बेटी सुरभि की शादी में ही दे दिया। अपने इनविटेशन कार्ड पे जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, यानी पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी योजनाओं का उन्होंने एक संकल्प लिया है। यूं तो हर दुल्हन अपनी शादी में खुश रहती है, लेकिन अनोखी शादी से सुरभि की खुशी देखते ही बन रही थी। उसे अपने पिता पर गर्व है। जब पापा ने पहली बार बताया कि शादी का ये ऐसा सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। पापा ने सब कुछ बताया तो एक क्या बोलते हैं मोटिवेशन आया और उससे पता चला कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सभी 17 जोड़ों ने गौ माता की पूजा की और गौशाला परिसर में पेड़ लगवाए। साथ ही अगले 3 साल तक सभी पेड़ों की देखभाल करने का वादा भी लिया। शादी समारोह में देश भर से कई संत भी पहुंचे। कि हम शादी ब्याह में इतने रुपए पैसे खर्च कर देते हैं पर वो 10 मिनट में ही पूरा हो जाता है, कुछ काम भी नहीं आता है। तो ऐसे आयोजन अगर होते रहेंगे समाज में तो अनेकों लोगों का भला होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और गोवंश की स्वतः रक्षा होगी। इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। राधेश्याम झंवर ने जो किया वो यकीनन तारीफ के काबिल है, क्योंकि आज के दौर में जहां इंसान का दायरा सिमटता जा रहा है, वहीं उन्होंने इस दायरे को तोड़कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नजीर पेश की है। शबीक अहमद उस्मानी, समय NHR नागौर। बहुत ही खास शादी।